मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ 10 बजे झंडा लगा। अरे वाह क्या बात है, हमारे बिना कोई झंडा लहराएगा नहीं, बता रहे हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दिस ब्लॉग। टुडे इज 26 जनवरी और अभी सोसाइटी से बुलावा आया है कि आइए आप जरा झंडा फहरा दीजिए। तो हमारी चाय वाय बन के सब रेडी हो चुकी है, 10 बजे से झंडा फहराया जाएगा, तो बुलावा आया है सोसाइटी में। हाँ तो तुम लोग खुद ने नहाया भी नहीं है। हाँ तो 10 बजने में भी आधा घंटा बाकी है ना, तब तक आज के दिन हमें गाना सुनने को मिलता है। सुनो गौर से दुनिया वाला, गुरु ने जाना हम पे डालो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हमें कहा है तुम भी कहो। मीना के बाजार में दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। टंग रंग रंग रंग। ये कच्चा केला लेके आया था सब्जी बनाने के लिए, तो सुरभि आधा बनाई आधा रख दी। ये देखो रात भर में पक गया। और ये देखिए आजकल मैं कौन सी किताब पढ़ रहा हूँ, मीना बाजार सादत हसन मंटो। और दूसरी है हमारी इंडियन मेथड इन एक्टिंग, जो कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि ये इंग्लिश में है, बहुत ध्यान लगाना पड़ता है इंग्लिश समझने के लिए। भाई साहब कल मैंने ये वाला तेल ट्राई किया, अरे बाप रे, ये सब पता नहीं क्या क्या इसमें जड़ी बूटी डाल के बनाया है यार। मैं लगा लूं। इसका नाम है टीजी, टीचर ग्रेस। तो अगर आपको भी ट्राई करना होगा तो ये लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप तुम्हारे बाल बहुत टूट रहे हैं ना, तुम्हें लगाओ, ये भी काम करता है, बिकॉज उसमें भृंगराज है। प्याज का रस बहुत काम करता है, प्याज काम करता है, तभी तो प्याज को तेल में डाल दिया। बचपन में एक मैजिक लोगों ने बताया था मुझे कि प्याज के रस से एक पेपर पर लिख दो और उस पेपर को ऐसे आग के ऊपर ले जाओगे ना तो सब कुछ छप जाएगा। मैंने कहा अच्छा, और एक बार मैंने ट्राई किया था तो हल्का हल्का छपा था। अनियन है, आमंड है, चिरौंजी है, त्रिफला है, हिबिस्कस जो कि गुड़हल का फूल होता है, ये सारी चीज़ें बालों के लिए अच्छी होती है। चलेगा, रेडी हो गया हूँ, 10 बज गया, देखो एग्जैक्ट 10:01 और क्या तैयार हुआ एकदम। वाह वाह, लगता है जलपान की भी व्यवस्था की गई है यहाँ पे। वाह वाह वाह। वेद दुबे। चलिए तो ये गेम से सबका परिचय हो गया। देखिए बगल की सोसाइटी में भी झंडारोहण किया जा रहेगा, तो उनका उधर लगा है। अरे यार हमें लगा जलेबी घट गई है। नहीं कुल जलेबी तो मत पूछा, जलेबी सलेबी सवेरे आ गया। अगस्त तो जरूरी है ना, 15 अगस्त को ना, 26 जनवरी। अब बोलो लड़खड़ा गए ना। नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय 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 हे। वाह वाह वाह। कुछ प्रोग्राम देना चाहे, बाकियों की रिहर्सल नहीं हुई है लगता है। हाँ तो गाइज अभी ऊपर तो आ गया हूँ, नीचे प्रोग्राम चल रहा है सिंगिंग का, और यहाँ पे इडली बन रही है घर में, इसीलिए नारियल लाने गया था। और नीचे से तो अभी तक वो जलेबी का जो डब्बा मिलता है ना वो मिला नहीं। आइए 26 जनवरी का देखिए पूरा असर हमारे घर पर दिख रहा है। मुझे किधर खड़ा होना है, सबसे पहले मैं खड़ा रहूँगा, फिर उसके बाद मैडम जी जो है सफ़ेद में खड़ी रहेंगी, और उसके बाद तेरी बाहर। तिरंगा को बनाने का आजकल बहुत सारा क्रिएटिविटी हो गया है, किसी भी तरीके से आप तिरंगा बना दीजिए। तो देखिए हम बन गए पूरे तिरंगा। आप ही रहते हैं, रुको मैं मैडम जी को नारियल का तेल दे देती हूँ। अशोक चक्र भी बन गया बीच में। नहीं, अशोक चक्र से थोड़ी बनता है, ब्लू कलर का है ना बस। आज 26 जनवरी के दिन क्या है, ड्राई डे है, और आज के दिन ना जिम करना बहुत जरूरी है। आज हम करेंगे एकदम धमाकेदार वर्कआउट। आज हमारे साथ में है रमनदीप सिंह। तो गाइस अभी मेरा वर्कआउट करके हो गया, घर पे आ गया हूँ, और देखिए अभी हमारे खबरी भाई आ गए हैं। पहुँच गए हैं हम, पहुँच गए हैं। अरे मैंने बताने के लिए कैमरा चालू किया, तब तक तो जो है टिन टॉन बज गया। तो गाइस देखिए वो क्या पर्पस था, सरफराज भाई क्यों आए हैं यहाँ पर, ये हम आपको बताते हैं, ये आए हैं चेस खेलने के लिए आए हैं। ये मेरा फेवरेट गेम है। मैं अयाज जो है मेरा दोस्त है उसके साथ रोज़ खेलता हूँ, लेकिन अब वो बहुत रोज़ हारने लगा है, कुत्ते से हारने लगा है। तो मैं नया प्लेयर ढूंढ रहा था, तो वेद भाई को पूछा फ़ोन करके, तो बोले हाँ भाई मुझे खेलने आता है चेस। तो मैं घर पर आ गया चेस लेकर। कुछ तो बनाया है इन लोगों ने। अब मिलते हैं 1 घंटे के बाद, देखते हैं कौन जीता है कौन नहीं जीता। मैं तो बहुत दिन के बाद खेल रहा हूँ, बट पूरी कोशिश करूँगा। बहुत बुरा फंसा गाइज, ये भाई कहाँ से यहाँ से अपने मंत्री लाके कब से अपने राजा को हम बचा रहे हैं, यहाँ से घिसकाते घिसकाते इन्होंने ये ब्लॉक किया। कौन दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर। मैं पहला ऐसा खिलाड़ी रहूंगा जो मैं प्लेयर को अपने घर में लाके बेइज्जती करवाया अपनी। ये देखो ना, ऐसा फंसा दिया इधर ला करके। अब मैं यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकता। ये पहले यहाँ था, मैं इसको यहाँ चला कि चलो ये एक चांस कुछ मिलेगा, तो यहाँ से ये मारूंगा या तो ये मार दूंगा। मैंने सोचा था पहले ये मार दूंगा, लेकिन मेरा हाथी मर जाता था। मैं फ़ोन करके पूछा था कि चेस खेलने आता है, बोले हाँ आता है। मैंने बोला आता है मतलब कैसा आता है? अरे अच्छा आता है भाई। मैं पेट्रोल जला के आया, चेस वेस खुद लाया, इतनी बुरी तरह हारे भाई साहब। चाय पियो, बड़ी बड़ी बातों से पहले चाय पियो। रात के 10 बज गए हैं, सरफराज भाई चले गए हैं अपने घर, और अभी मैं और सुरभि जा रहे हैं उसके फ्रेंड के बर्थडे, उसके फ्रेंड की शादी में। इसके पहले हम लोग एंगेजमेंट में गए थे। बहुत हमने कोशिश की कि मैचिंग का पहने, लेकिन हमारा जो है ब्लू इसी से मैच हुआ। वीडियो लेने लगे आप पास में। हाँ थोड़ा दांत कम करो, एकदम नेचुरल हंसी करो। नेचुरली बोला, जब बदल था तब बता था क्या, क्योंकि बाल में ऐसे लपेटी बाल ठीक लग रहे हैं, ऐसे ही रखना, वहाँ पे भी लपेटी हो चाहिए लग रहा है, ऐसे ही रखना। देखो भाई पॉपकॉर्न टाइम पास करेंगे इसी ऑटो में। गाइज हम लोग रास्ता भटक गए थे। हम ना बाला होटल, मतलब हमें जाना था कहीं और, हम पहुंच गए कहीं और, लेकिन हम फाइनली पहुंच गए हैं 10 बजे, 10:15 तक पहुंच गए हैं। और बाप रे बहुत ये खर्चा बहुत किया है। गुप्ता परिवार हमारा बहुत स्वागत करता है। ये मेरे हस्बैंड वेद दुबे, मेरे हस्बैंड हमेशा होती है चालू हो गया वापस वेद का वीडियो देख रही है। रात को भी मैं देख रही थी आप लोग का ताज होटल का, तो वो बोल रहे हैं कि ना हो गया नेट बंद करूं, वाईफाई बंद करूं। अब एक मिनट रुको, कंप्लीट होने दो, लाइक हो जाने दो। गाइस हम लोग अपना इंतजार, हम लोग अपने टर्न का वेट कर रहे हैं। बहुत देर से दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया जा रहा है उनके रिश्तेदारों के द्वारा, उनके दोस्तों के द्वारा। यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं। 11 बज गया है, कितने लोग तो खाना खा के जा भी चुके हैं। वो देखिए शादी का मंडप उस तरफ है। बच्चों के लिए बड़ी मस्ती वाली चीज़ है ये शादी विवाह। देखिए इतनी भीड़ लगी यहाँ पे, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, सॉरी। चलो चलते हैं, अब उधर भी घूम के आते हैं, देखते हैं उधर का मेन्यू क्या है। गाइस मुझे ना ये बड़ी कमाल की चीज़ लगी, दुल्हन की एंट्री इसी में कराए थे। कितना अच्छा लगेगा, 4 लोगों ने खड़ा किया है, दुल्हन इसके अंदर से आ रही है। अच्छा लगता है, इसीलिए तो बनवाया गया है। एक तुम्हारी एंट्री करवा दे क्या वहाँ से? हाँ तुम कभी दुल्हन तो थी, अभी 1.5 साल तो हुआ है, इतनी पुरानी भी नहीं हुई हो। एक एंट्री तुम्हारी करवा देते हैं वहाँ से। बिल्कुल सिनेमैटिक लोकेशन है ये शादी का। नहीं, शादी अभी हुई नहीं है। ये वाला शॉट हमको भी लेना है। आप ऑपरेटर हो तो मेरे फोन से कर सकते हैं। वो दे देंगे ना अपने फोन से, व्हाट्सएप पे मैं सेंड करूँगी। अरे गिराओगी क्या? बहुत तेज नींद आ रही है गाइस। अब तो मन कर रहा है कि बस घर पहुंचते सो जाएं, लेकिन डेटा ट्रांसफ़र करेंगे ना, अभी डेटा ट्रांसफ़र करने में समय थोड़ा जाएगा जो भी। तो गाइस मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा। हाँ, अरे हाँ, और 29 तारीख से वापस से शूट शुरू होने जा रहा है, तो कल गैप रहेगा। कल आराम करके परसों से फिर काम रहेगा, और परसों सुबह 7:30 बजे बुलाए हैं ब्रजेश्वरी। चल, तुमको नालापुर पर छोड़ के वहीं से बड़ा चले जाएगा परसों संडे ना। हाँ, नाइस आइडिया। नहीं, मेरे को बोलना। बाय बाय दोस्तों। इनका व्लॉग, इनका नहीं हमारा व्लॉग लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हमारी बेवकूफ़ियों को ऐसे ही नज़रअंदाज करते रहें। बाय। घूमर 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 घूमर।